आज हम ले चल रहे हैं आपको लखनऊ में एक खास जगह, क्योंकि आज है ज्येष्ठ माह का पहला मंगल, जो कि लखनऊ में बड़े मंगल के नाम से यहाँ जाना जाता है और यहाँ मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। तो आपको ले चल रहे हैं लखनऊ के सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर और वहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से उल्लास है लोगों के बीच में इस बड़े मंगल को लेकर के। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लखनऊ में मनाया जा रहा है ये बड़े मंगल का त्यौहार। और ये बड़े मंगल का मेला यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम लोग भी चल रहे हैं अंदर। और इसकी बड़ी मान्यता है लखनऊ में, क्योंकि माना जाता है कि लखनऊ की यहाँ पे नवाबों के समय जो यहाँ की एक बेगम थी उनके द्वारा इस मंदिर की में मान्यता मानी गई थी और उसको पूरी होने के बाद तब से यह मेला अनवरत साल दर साल इसी तरह से यहाँ पे लगातार मनाया जाता है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से सजा हुआ है यहाँ पे। और हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी हैं जिन्होंने यहाँ पे दुकान लगा रखी। चलिए उनसे मालूम करते हैं कि क्या मान्यता है यहाँ पे बड़े मंगल की लखनऊ में, बताइए। ये आलिया बेगम जी का पसराया हुआ मंदिर है और के करीब बहुत पुराने 200-300 साल पहले तब से ये परंपरा चली आ रही बड़े मंगल की। और क्या खास चीज़ होती है यहाँ पर? यहाँ पे एक दिन पहले परिक्रमा होती है, जो अपने घर से चल के यहाँ तक परिक्रमा करके लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ा के घर वापस जाते हैं। तो जैसा कि प्रमोद गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ पे आलिया बेगम द्वारा यहाँ पे इस मेले का शुभारंभ किया गया था, तब से ये अनवरत चला आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या है इस मेले में खास और लोगों के अंदर कैसे उत्साह है इस मेले को लेकर। ये देखिए बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे भी हनुमान जी का और पुजारी जी खड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पता नहीं बेटा, आलू मेरे खास्ता मेरे। अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर और क्योंकि आज पहला मंगल है इसलिए भीड़ थोड़ी कम है यहाँ पे, और दोपहर है इसलिए यहाँ थोड़ी भीड़ अभी कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी यहाँ पर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर और सुरक्षा का यहाँ पे पूरा इंतजाम है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर और देखिए सुरक्षा का यहाँ पे पूरा इंतजाम यहाँ पे है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, क्योंकि अभी भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि दोपहर है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी और देखिए यहाँ पे
महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं, मौजूद हैं। और भक्त देखिए इस बड़े मंगल पे किस तरीके से अंदर दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। चलिए उनसे पूछते हैं, मालूम करते हैं कि क्यों यहाँ पे वो आते हैं। हमारे साथ सुधा जी हैं और सुधा जी से मालूम करते हैं कि क्या मानता है और क्यों आई हैं वो यहाँ पे। बताइए सुधा। यहाँ की बड़ी पौराणिक मान्यता है, यहाँ के सभी मान्यताएं पूरी होती है, इसीलिए हम सब लोग यहीं आते हैं। तो सुधा जी आप अकेले आए हैं कि अपने परिवार के साथ आए हैं? हमारे परिवार। अच्छा अच्छा, आपके पास परिवार के साथ आए हुए हैं यहाँ पे जी, जी, तो दर्शन आपने कर लिए जी, जी। तो कोई असुविधा या परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन मिले। ठीक है, तो जैसे सुधा जी से अभी हमने मालूम किया तो उन्होंने बताया कि बहुत प्राचीन और पौराणिक मंदिर है, इसलिए वो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और यहाँ पे आने से हर आदमी की मान्यता पूरी होती है। तो आगे चलते हैं और मालूम करते हैं लोगों से। और अब हम मंदिर के अंदर हैं और बहुत व्यवस्था है यहाँ पे। और सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे चाक चौबंद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर इस व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी सब लोगों को। तो चलिए पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे आज। बताइए सर। सीओ सर से पूछ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं हमारे सीओ साहब, उनसे मालूम करते हैं कि क्या यहाँ पे व्यवस्था है सुरक्षा की। तो बताइए सर। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि बड़ा मंगल की व्यवस्था होती है लखनऊ में, विशेष रूप से इसको मनाया जाता है, काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। और इस समय हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा कपूरथला का पुराना हनुमान मंदिर कहा जाता है। इस परिसर में हम लोगों की उम्मीद रहती है कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग जो है हर मंगलवार को यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जो हमारी व्यवस्था के रूप में है कि हम लोग रात 12 बजे से यहाँ पे व्यवस्था को लगा के रखे हैं, अराउंड द क्लॉक हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और कम से कम विभिन्न इस जनपद के विभिन्न थानों की फोर्स हमें मिली हुई है और इसको हम राउंड द क्लॉक लगा के रखते हैं। और हमारी 3 लेयर की व्यवस्था है, हम लोगों ने बाइफर्केशन किया हुआ है सारी व्यवस्थाओं का। पुरुष की लाइनें अलग की हुई हैं, महिलाओं की लाइनें अलग की हुई हैं, साथ साथ में हम लोग अराजक तत्वों पर भी नज़र रखे हुए हैं। जो हमारे दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो दर्शनार्थी हैं उनको पूजा अर्चना करने में सुरक्षा के कारणों से कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे कि सीओ साहब ने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, राउंड द क्लॉक यहाँ व्यवस्था है सुरक्षा की। चलिए आगे मालूम करते हैं लोगों से कि दर्शन के समय उन्हें कोई असुविधा या ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है और कैसा लग रहा है उनको यहाँ पे आके। हमारे साथ मंदिर समिति की तरफ से प्रहलाद सिंह जी हैं। तो प्रहलाद भाई बताइए कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे एक तो बाबा के दरबार, मुझे याद है कि मैं 1990 या 92 में हाई स्कूल मैंने पास किया, तब से मैं यहाँ से बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अब देखिए भक्तों बताता, सुबह रात में 11 बजे से ही यहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो गई थी और सुबह 11 बजे तक मतलब 12 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा बाबा का देख झलक पाने के लिए भक्तों में जो लालसा थी कि बड़ा सच्चा दरबार है और जो भी यहाँ आता है सच्चे मन से उनकी मनोकामनाएँ बाबा जरूर पूरी करते हैं। ये देखिए सच्चा दरबार बाबा का, ये भक्तों का उत्साह। और हमारे मंदिर की तरफ से सुबह से लेकर जब यहाँ पे भोग लगता है बाबा का तो हलवा पूरी की व्यवस्था होती है, उसके बाद शरबत पूरे दिन चलता रहता है, उसके बाद पूरी और सब्जी की व्यवस्था, जो भंडारा चलता है वो 11 बजे से लेकर के पूरा दिन जब बाबा की इच्छा तक चलता रहता है। उसके बाद ही प्रशासन ने जो भी यहाँ के वॉलेंटियर हैं, स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, प्रशासनिक अधिकारी के लिए अलग से खाने पीने की व्यवस्था है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है भगवान को और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये झूमर जगमगा रहा है इस मंदिर के अंदर जो ऊपर है। और हमारे भगवान नीचे विराजमान हैं
तो और क्या व्यवस्था है यहाँ पे पंडित जी बताइए। ये देखिए राम नाम की माला किस तरीके से यहाँ पे टंगी हुई है, अपने भक्तों ने अपने हाथों से ये सुंदर माला यहाँ पे भगवान को अर्पित की है और लोगों में बहुत उत्साह है, लोग प्रसाद लेके यहाँ पे आ रहे हैं और भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो चलिए लोगों से मालूम करते हैं कि और क्या व्यवस्था है। देखिए हमारे साथ में हमारे पुराने मित्र मिल चुके हैं, तो क्या नाम भाई आपका? शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी। तो शैलेंद्र जी पेशे से अध्यक्षता भी हैं, तो इनसे मालूम करते हैं कि क्या मानता है, क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छी मान्यता है, जो भी आदमी आता है यहाँ पे उसकी मुरादें पूरी होती हैं। हर तरीके से मैं यहाँ बचपन से ही आ रहा हूँ, जब से अपनी याद संभाली है। तो जैसे शैलेंद्र जी ने बड़ी खूबसूरती बताया कि बचपन से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे आने से इनकी मान्यता पूरी होती है, तो चलिए हम लोग भी करते हैं दर्शन और उठाते हैं भगवान का आशीर्वाद। तो हम भी जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पे भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, ये हर तरफ पंखे लगे हुए हैं और किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, बाकी बंदोबस्त भी है। अब हम लोग पहुंच गए हैं गोमती नदी के, अब हम लोग पहुंच गए हैं गोमती नदी के किनारे पुराने हनुमान मंदिर पे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुंदर व्यवस्था की गई है और भीड़ उमड़ी हुई है और भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और देखिए आप सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पे भक्तों की भीड़ है। और ये टीका के लिए अलग काउंटर बना रखा गया है। प्रसाद की व्यवस्था की गई है मंदिर की तरफ से।
और यहाँ पे बड़ी व्यवस्था की गई है मंदिर के अंदर, और देखिए जैसे एसी लगा हुआ है यहाँ पे। आगे आइए। भक्तगण बारी बारी से आ रहे हैं और यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के सचिव श्री दिवाकर त्रिपाठी जी हैं, तो चलिए इसे मालूम करते हैं कि क्या व्यवस्था है भक्तों के लिए मंदिर में, बताइए सर। ये जैसे कि सभी भक्त जानते हैं, लखनऊ में देश के मंगल, जो बड़े मंगल के नाम से विख्यात हैं, उनका बहुत महत्व है। और ये जो पहला बड़ा मंगल होता है, विशेष तौर से पूरे लखनऊ शहर में बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो यहाँ पर चूँकि बाबा जी की ये कर्म भूमि रही है, उनकी तपस्या भूमि रही है, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर सन 1967 में बनाया गया था, तो इसकी ख्याति बहुत है, बाबा जी का प्रभाव बहुत है। तो यहाँ बड़ी भारी संख्या में आते हैं भक्त, और ख़ास तौर से पिछले 3-4 साल में ये भक्तों की संख्या दोगुनी हो गई है। तो जहाँ पहले 30-40 हज़ार आते थे, अब 75-80 हज़ार भक्त लोग आते हैं, 75-80 हज़ार आते हैं लगभग। तो उनकी व्यवस्था जो है, दर्शन उनको हो जाए और उनके लिए जल की व्यवस्था, उनके लिए वातावरण ठंडा रहे, ये सारी व्यवस्था हम लोग कराए हैं। और यहाँ से जब भक्त निकलते हैं तो बाबा जी महाराज की ओर से, बाबा दीप कलौली की ओर से एक एक लड्डू सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो करीब 75,000 लड्डू हम लोगों ने बनवाए हैं, जो कल रात 12 बजे से दर्शन शुरू हुआ और आज रात 12 बजे तक चलेगा। उसमें ये 75,000 लड्डू बटेंगे। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है और ये दर्शन की ऐसी व्यवस्था की गई है कि 15 मिनट में दर्शन पीक आवर में भी हो जाए, ताकि बहुत भारी संख्या जो है वो भक्तों की आगे बढ़ती है। तो इस तरह से ये बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। पार्किंग की भी व्यवस्था है और सुरक्षा की भी व्यवस्था है। कोशिश यही रहती है, हर 2 घंटे में हम लोग पुजारियों की ड्यूटी बदल देते हैं, जिसकी वजह से पुजारी 2 घंटे में ही इतने थक जाते हैं कि उनकी क्योंकि पारी बदलती रहती है, तो बहुत तेज़ी से चलता है। मंदिर के प्रबंधक हमारे साथ त्रिपाठी जी, और चलिए आगे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि लखनऊ में और किन किन जगह पे क्या क्या व्यवस्था है या और दूसरे मंदिर हैं जिनकी मान्यता है लखनऊ में। तो चलिए आपको ले चलते हैं लखनऊ के दूसरे मंदिरों में, जहाँ पे इस बड़े मंगल का त्यौहार बड़ी धूमधाम से। अब हम लोग हैं हजरगंज के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, जो कि लखनऊ का बहुत मानता है, लखनऊ में लोगों की इसको, और काफ़ी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। आएंगे तो जैसे कि हमने आपको दिखाया था, पुराने मंदिर में भी अभी भीड़ कम थी और शाम होते होते ये भीड़ बढ़ती जा रही है। और बड़े मंगल के दिन कामोवेश हर चौराहे पर और गली कूचे में आपको ऐसा ही नज़ारे आपको मिलेंगे, हर जगह भंडारे आपको लगे हुए नजर आएंगे। तेलीबाग, यहाँ
यहाँ पे लगी हुई लाइनें और भक्तों की भीड़ बता रही है कि यहाँ पे लोगों की कितनी मान्यता है आम लोगों में, आम जनता में इस मंदिर की। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हम आपको ले चल रहे मंदिर के अंदर। और किस तरीके से लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है और लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। लगी हुई आप देख सकते हैं कि कितनी मान्यता है इस मंदिर की देवीबाग में। और ये है आदित्य नजारा। प्राचीन मंदिर जो कि दिल्ली में स्थित है, प्राचीन मदानी हनुमान मंदिर, हमने उसकी सैर आपको करा दी है। और लोगों के बीच में इस बड़े मंगल त्यौहार का कैसे उत्साह है लोगों के अंदर और कितनी मान्यता है ये आपने हमने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को पर मौजूद इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो को और सुधार ला सकें, ठीक कर सकें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए फिर से सबका ख्याल रखें।